वैद्य जी, जी आज हमें मोटापे के बारे में बताइए। हम देखते हैं कि आजकल हर तीसरे व्यक्ति जो है मोटापे का शिकार है। व्यक्ति मोटापे के कारण सही से चल नहीं पाता, टहल नहीं पाता। टहल ले, सीढ़ियाँ चल ले तो उसकी सांस फूलने लगती है, जी तो पेट बाहर निकले आता है मोटापे में, अंदर से आदमी फफस हो जाता है। अच्छी तो ये मोटापा जो है दूर रहे व्यक्ति से, तो इसका कोई उपचार बताएं कि उसे मोटापा ना होने पाए। देखिए भाई, मोटापा की आप अपने आप खुद उसको सोचना चाहिए कि हमको ये परेशानी हुई क्यों हुई, कैसे हुई। मैं बता दूं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, वीडियो में देखना नहीं चाहते। वो तो आजकल के ज़माने में बस नाच तमाशा, बस ये देखना चाहते हैं। अरे भाई, अपने शरीर के बारे में तो कुछ सोच लीजिए कि भाई जी कुछ बताते हैं तो अच्छाई ले लीजिए। अगर बुराई में भी अच्छाई है तो अच्छाई लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये आज की भाग दौड़ में, तो इसमें आपको हम ये बता रहे हैं, मोटापा का कारण ये है कि आजकल बाजार की आदमी खाना खा लेता है, घर पे नहीं खाता है, और घर पे जाके ताना दिखाता है कि आज मैं दिन भर भूखे रहे। अरे दिन भर भूखे तो रहे हो तो घर वाले क्या करें, खाना उन्हें बना के रख दिया, तुम नहीं खाते, काम पे भागा दौड़ी लगी है। तो और इधर उधर की चीज़ें खाने से बार बार मुँह चलाते हो और फिर पानी पीते हो। जब आप कोई भागा दौड़ी काम करते हो उसमें प्यास भी लगती है, तो खाना खाने के टाइम में जो प्यास लगती है तो जठरागनी मेरी गर्म हो जाती है। जैसे आपने एक कौड़ा मुंह में रखा तो जठरागनी अपना काम करना चल देती है, तो उसमें क्या है, जो पाचन क्रिया चालू हो जाती है, और आप बहुत ठंडा पानी पियो तो बुझ जाती है। इसी प्रकार पेट में उदर रोग गैस बनने लगती है और भयानक गैस बनती है। कभी कभी तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं भाई कहते हैं कि और खाना जो अन्न खाते हो उसको कम से कम नहीं तो 15 घंटा तक उसकी पाचन क्रिया सही हो पाओ दुरुस्त। और आप 6-6 घंटे में मार पहला पाल बने, 2-2 घंटा बने, जो मिलो तुम मार डर। अरे भैया जी बताओ जी, आंत की तुम धुलाई नहीं करना जानते हो? आजकल आंत की लोग धुल मार पहला पाल बने, जे खट्टी जे मीठी स्वाद सब करते हैं, तो फिर तो वैसे ही खराब रहेगा। पेट खराब रहेगा, कचरा बढ़ जाएगा पेट में, सफाई हो नहीं पाएगी और पेट फूलने लगेगा, गैस बनने लगी। और गैस ऐसी चीज है कि जितने भी मेरे लेगामेंट हैं, हर लेगामेंट पर ज्वाइंट होता है, वहां घुस जाती है, और शरीर आदमी पानी भी पीता तब भी बहुत मोटा लगता है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ज्यादा खाना खाने से ही जिंदगी नहीं होती है। आंत को इतना डालिए कि जितनी आपका काम चलता है। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि सुबह उठिए और 3 गिलास गर्म पानी करिए, 1 चम्मच लाहौरी नमक डाल लीजिए, और आप धीरे धीरे गर्म खौला हुआ पानी ठंडा हो जाए तो इतना ठंडा रहे पेट में लगे, तो उसको सुबह सुबह पी लो। आप बाहर मत जाओ, तो एक तो लेटिंग आपकी जैसी आती वैसी आएगी। पानी लेटिंग जाने से पहले ही पानी पीने लेना चाहिए, फिर आपको 2-3 लेटिंग जो है पतली आएगी। अगर उस दिन पतली ना आए तो दूसरे दिन फिर ये काम करिए, और पहले ही दिन अगर आ जाती पतली तो उस दिन भदरी दीदी ले लो, और फिर उसके दूसरे दिन फिर नमक मत डालिए, फिर 2-2 3-3 गिलास पानी गर्म ही पीना। थोड़े दिन पेट पे ना पेट की सिकाई हो जाएगी, पेट की धुलाई हो जाएगी, और आपका लीवर किडनी अच्छा काम करने लगेगी। और पाचन क्रिया के लिए आप खाइए तो 6-7 घंटे का अंतर दीजिए। अगर आप खाना खाते हो तो 6-7 घंटे का अंतर दीजिए, तभी आपकी पाचन क्रिया सही। और खाना खाने के टाइम में आप पानी भी पियो। बहुत प्यास लगती है तो आप लस्सी पीजिए, और कोई चीज़ खाइए, दूध पी लीजिए। पानी नहीं होना चाहिए, पानी से जो अग्नि है मंद वो बुझ जाती है। और पाचन क्रिया आप देखिए, कोई सब्जी बनते हो उसमें चमचा डाल दो, उसकी गैस निकाल दो तो वो अधकचरी हो जाती है, उसमें ठंडो पानी डाल दो वो दाल गले ही नहीं। तो इसी प्रकार हमारी पेट की, तो इसकी आपको सुरक्षा करना है, ज़्यादा दिन जीना है, अच्छा खाना अच्छा पहनना, तभी अच्छा होगा जब आपका पेट और मन तन सब ठीक होगा। तो पेट एक ऐसी चीज है, इसके हर वक्त खाने से पहले आप अगर 6 रोटी खाते हो तो आप 1.5 रोटी बंद कर दीजिए, जिससे जगह बनी रहे, जो गैस बनती है वो घूम जाए। तो ये भैया हम आपको बताते हैं कि पेट के लिए ये, और ये जो हमने बताई कि पेट की धुलाई कर लीजिए, सुबह गर्म पानी जरूर पीना है, पेट साफ होता रहेगा और बिल्कुल आप फिट हो जाओगे। क्यों, मोटापे में लीवर नहीं काम करता है, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा, बीपी हाई होने लगेगा, कोई
कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, ऐसी कई मर्जी हैं जो पेट बढ़, जैसे ही पेट बड़ा समझो आप रोगी हो गए, जितना बड़ा होता जाएगा आप समझो उतनी आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। आप ज़्यादा कहीं जोर लगाओ तो आपकी आँख भ्रष्ट हो सकती है, आँख उतर भी सकती है। तो इसलिए व्यायाम, और आज की तारीख में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम नहीं तो 20-25 मिनट तक, तो आध घंटा तक अपने नॉर्मल व्यायाम करिए, कपाल भाती, लोम लोम, भ्रामरी, हम मैं भी करते, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना वीडियो में, मैं देखिए आपको दिखा दे कैसे करते हैं, कैसे पेट चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे सिर के ऊपर खड़े होते हैं, कैसे पैर घुमाते हैं, सब दिखाते हैं, और कपाल भाती कैसे करते हैं, लोम विलोम कैसे करते हैं, भ्रामरी कैसे करते हैं, कंठू आसन कैसे करते हैं डायबिटीज के लिए, तो ये सब दिखाते हैं, आप उसको देखिए। तो और आपको बता दें कि एक महीने में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में एक और चीज़ है हमारे पास, मैं बताता हूँ कि अश्वगंधा पेड़ होता है वो कम से कम ना 3-3 फुट का ऊंचा हो जाता है, 4 फुट का भी ऊंचा हो जाता है, झाड़ी नुमा होता है, उसके 4-5 पत्ते तोड़िए और उनके मसल लीजिए, गुड़ में मिला के गर्म पानी से ले लीजिए, या उसको छैली में सुखा लीजिए, उसका पाउडर लीजिए। तो अगर आपका वजन अगर 1 क्विंटल है तो आप एक महीने में अंदर इतनी कोई दवा नहीं कर सकते हैं जितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम करते हैं, कम से कम नहीं तो आप एक एक महीना में 10-10 किलो वजन आप कम कर सकते हैं। लेकिन अपने खाने पीने का बाहर की चीज़ नहीं खाओगे, हर बर्गर जी दुनियादारी और जीभ का स्वाद कम करना पड़ेगा, बस आप देख लीजिए। फिर क्या वो पेट का ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इससे क्या बचो? अरे भाई पेट तुम्हारा, मन तुम्हारा, उतना करिए जितना तुम्हारा क्षमता शरीर के, उतना खाइए, उतना पीजिए। तो ये अश्वगंधा के पत्तों के बारे में बताएं, उसकी जड़ जो है वो मोटापा बढ़ाती है, इसके पत्ते हैं वो हार्ट के लिए बहुत मजबूत है, दिल के लिए, जिससे कि वो ब्लड पतला रहता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। और अपना थोड़ा योग करिए, ऐसे में बताते रहते हैं भाई। और अंधा को आप कोई बात पूछना वो भी मैं बताएंगे। अरे भाई मेरे बड़े आदमी तो भैया हर तरह से देख लेते हैं, खर्च भी कर लेते हैं, हमारे छोटे भैया बीच के हैं, आजकल खाना पीना पढ़ना ओढ़ना इतना भयंकर, लोग परेशान हैं। तो हम तो जकात बार, अगर जीवन आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ, आप अगर उतना ही स्वस्थ होगे तो पूरा परिवार ही बेकार हो जाएगा। अरे कमाने धमाने वाले तुम हो और तुम भी बीमार हो, बच्चे क्या करेंगे? और मोटा खाइए, मोटा पहनिए, एक दूसरे की बातें जा रही, आज इसलिए ये शर्ट ले ली, ये गाड़ी ले ली, ये घोड़ा बनवा लिया, बंगला बनवा, ये चंद्र देखने के लिए कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। जब तक जियो आराम से मोटा खाइए, मोटा पहनिए और अपने अच्छे मकान में रहिए, साफ सुथरा रखिए, ये है, बड़ा नहीं छोटा अपने बनवा लो। अब ये ना करो भाग कि तुमको तुम्हारे यहाँ 10 रुपया और तुम 100 रुपया काम करने जाते हो तो तुम फिर उधार लियो, वो उधार का ब्याज चढ़ेगा, आप कैसे, तो आपके आपका कर्ज आपके बच्चों तक पहुँचेगा। तो भाई हमारे तो ये है कि ना थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, हरी सब्जियां खाइए। अब ये क्या है, बीड़ी है, सिगरेट है, दारू है, गांजा है, ये सब त्याग दीजिए, ये बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उतना आप जब कह दें कि आप 10 पुड़ियां खा लेते हो, चलो भाई 1 किलो दूध पी लेना, तो दूध नहीं पियोगे, पुड़ियाँ खा लोगे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको धीरे, अरे एक संसार में जीने के लिए आए, जितनी कट गई उतनी अच्छी कटी, आगे का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सब जने मिलजुल के चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये मोटापे का कारण है, ये एनीमिया खून नहीं बनता उसका है, दोनों बातें आज हमने आपको बताई। और आप ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो अंत तक देखिए, तभी तो कुछ समझ में आएगी। और अगर आपको अच्छी बात लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, बिल्कुल सभी लोग वैद्य जी की वीडियो जो है देखा करें और लाइक जरूर करा करें, इससे जो है मनोबल बढ़ता है। हाँ, और नए भाइयों तो वो सब्सक्राइब कर लें, जो हम जो डालेंगे वो उनके पास पहुंचेगी, और इसमें कोई परेशानी तो आप हमको बताइए, मैं उसका और भी सुधार करें। हम भी तो आप ही जैसे हैं, हम कौन से इतने बड़े भाई बन गए हैं, लेकिन एक ये है कि सत्संग में रहे, आप लोगों में बैठे, ये विद्या गुरु जी ने सिखा दी, और इसका कोई पैसा तो जाता नहीं, आप लोग करिए। और न समझ में आए तो आप हमको बात करिए, मैं आपको बताएंगे। मैं तो जाने कितनी हजारों जड़ी बूटियां बताते रहते हैं, भैया करिए करिए, लेकिन हाँ आप खाने से पहले राय मशवरा जरूर लेना डॉक्टर और वैद्य की, उसी की राय से। कोई भी दवा कोई भी कभी खाओ तो पूरा डोज मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, आप जितना अच्छा आपको सूट करता जाए उतना बढ़ाते जाइए, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है।
और कभी भी किसी चीज़ की दम नहीं है इसमें। तो आराम से रहिए, आराम से खाइए, दिमाग को अपना ठंडा रखिए, परिवार में बैठो तो शांति से बैठो, थोड़ी थोड़ी बात पर रंज मत करिए, एक दूसरे की बात पर सहमत रखिए, ये हमारे जीवन है। तो और अपने बच्चों से बढ़ के दूसरे बच्चों में प्यार दीजिए, बड़े बड़ों को मान सम्मान करिए। मान सम्मान का जो बच्चे अपने घर पे माता पिता के पैर नहीं छूते तो तुम्हारा सम्मान क्या करेंगे, तो वो ज्ञान दीजिए। यही हमारी आज की है, और आगे आप जो बताओगे जिसके बारे में पूछे वो भी हम बताएंगे। नमस्कार।